मेरे लिए इस वक्त बारूद के ढेर पर है, हर तरफ से मिसाइल दागी जा रही है। ऐसे में अगर ईरान और इसराइल के बीच आमने सामने का युद्ध छिड़ जाता है तो आपकी जेब पर भी इसका असर पड़ेगा, महंगाई की मार भारत तक पड़ेगी। इस युद्ध का छोटा सा असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखा, जहां पहली बार सेंसेक्स 1800 अंक तक नीचे खिसक गया। युद्ध की आग की तपस सिर्फ शेयर बाजार पर ही नहीं बल्कि आम लोगों तक पहुंचने वाली है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल उत्पादकों में से एक है। तेल बाजारों में अस्थिरता से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हो जाएंगे। इसका भारत पर विशेष रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपने तेल की जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर रहता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलने लगी है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.22% से बढ़कर $72.14 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी का मतलब है सीधा आपकी जेब पर असर। भारत बासमती चावल का कुल 19% हिस्सा ईरान को निर्यात करता था। इस युद्ध के कारण सप्लाई चेन बाधित होने से भारतीय व्यापारियों पर असर पड़ेगा। इसी तरह का असर चाय कारोबारियों पर भी दिख सकता है, क्योंकि भारत से बड़ी मात्रा में चाय ईरान भेजी जाती थी। युद्ध के समय में निवेशक अक्सर सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। इससे इनकी मांग बढ़ जाती है और कीमतें आसमान छू सकती हैं। सोने की कीमत 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा चुकी है। माना जा रहा है कि ये कीमत 80,000 रुपए प्रति ग्राम पार कर सकती है। इसके अलावा ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष का असर वैश्विक शिपिंग रूट पर भी पड़ सकता है। अगर शिपिंग बाधित होती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होगी और खाद्य पदार्थों जैसे कि गेहूं, चीनी और अन्य कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं। यहां तक कि दवाओं के दाम भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत ज्यादातर दवाओं के लिए कच्चे माल का बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है। तो अगर एक मोटे मोटे तौर पर देखें तो युद्ध भले ही मिडल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। खैर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? We'll turn the tables this time. Haryana mein maujood hai hum is waqt. Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.